अगर मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग के कोई पोर्शन को भी रिमूव करना हो, यानी कि कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट है हमें रिप्लेस करवाना हो, तो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग का नाम, देन डॉट कीजिए, एंड आपको मेथड यूज करनी पड़ेगी रिप्लेस। वो रिप्लेस में आपको बहुत सारे मेथड्स ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं अभी आपको एक कैरेक्टर रिप्लेस करके दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पे एक ओल्ड कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा, यानी कि मैं लेट से सी को रिप्लेस करवाना चाहता हूँ जेड से, एंड देन अभी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को प्रिंट करवाऊ, देन इसको रन करवाता हूँ। तो देखिए अभी हमारी मेथड एग्जीक्यूट तो हुई है, लेकिन हमारे स्ट्रिंग में कुछ चेंजेस ही नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल है, यानी कि हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो हमारे एक्चुअल डेटा पे कभी अफेक्ट नहीं होगा। तो वो सिंपली हमारी जो मेथड कॉल कर रहा है उसको कोई स्ट्रिंग में रिटर्न करवाएगा। तो जो रिप्लेस मेथड है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करवाता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक स्ट्रिंग टू में हमारी रिप्लेस हुई वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ, देन अभी मैं यहाँ पे उसके साथ ही स्ट्रिंग टू को प्रिंट करवाता हूँ। तो अभी मैं इस कोड को रन करूँ तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी हमारा सी एनकाउंटर हो रहा था वहाँ पे हमने जेड को रिप्लेस कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे जेड से रिप्लेस हो गया है सी। तो अभी मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड के बारे में बात करूंगा, जिसको हम कई कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं तो उसके लिए हम ज़्यादा यूज करते हैं। अगर आपके पास एक डेट दिए गिवन है जो कि एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, जो कि DDMM YYY फॉर्मेट में है, और आपको उसमें से बर्थ ईयर रिट्राइव करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देंगे जहाँ से स्लैश से वहां से। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को स्प्लिट करवा रहा हूँ स्लैश से। तो अभी जो स्प्लिट मेथड है वो एक स्ट्रिंग एरे की फॉर्म में डेटा को रिट्राइव करता है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अलग नाम लिख लेता हूँ, स्प्लिट नाम लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो अभी मुझे स्प्लिट करने के लिए कैरेक्टर पास करने के बजाय स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स में स्लैश को लिखूंगा। तो अभी मैं यहाँ पे स्प्लिटेड स्ट्रिंग है उसके कंटेंट को देखने का ट्राई करूँ फॉर इच लूप की मदद से, एंड देन अभी मैं इस कोड को रन करूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो स्ट्रिंग है इसको एक फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया है, यानी कि जहाँ से हमारा स्लैश एनकाउंटर होगा वहां तक ये एक स्ट्रिंग एरे में पास करेगा, उसके बाद ये दूसरे इंडेक्स में स्ट्रिंग को स्टोर करवाएगा, एंड देन तीसरे को। तो भी आपको बर्थ ईयर रिट्राइव करनी है तो आपको यहाँ पे सिंपली जो लास्ट इंडेक्स होगा जो कि होगा यहाँ पे सेकंड, तो इसको आपको प्रिंट करवाना है। तो देखिए हमारी बर्थ ईयर प्रिंट हो गई 1999, यहाँ पे लिख लेता हूँ। अभी मैं इसको रन करूँ तो देखिए हमारा बर्थ ईयर हमने रिट्राइव कर दिया है कोई स्ट्रिंग में से। उसी तरह अगर आप को यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स नहीं पता है तो आपको क्या करना है, स्प्लिटेड स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करनी है एंड उसमें से एक माइनस कर देना है, सॉरी ये ब्रेसेस के अंदर ही माइनस करना पड़ेगा हमें। तो अभी मैं इसको रन करूँ तो भी हमारा आउटपुट सेम ही आ रहा है 1999। तो ये थे मेन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स जो कि हम जहाँ में उसको यूज करते हैं, जिसको हम स्ट्रिंग हैंडलिंग मेथड्स भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।